हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लॉजिक गेट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था, जहां पर मैंने आपको एंड गेट, नैंड गेट, और गेट एज वेल एज नॉट गेट के बारे में सिखाया था। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक बेसिकली फोर गेट्स का एनालिसिस कर लिया है। अभी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें यूनिवर्सल गेट्स भी स्टडी करना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है, एनालिसिस किया है, दैट्स इट। तो अभी हमें बहुत डिटेल में आगे बढ़ना है। हेलो शुभम, तो आज के लेक्चर में अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो आपके रिमेनिंग गेट्स है ना, उनका पहले डिस्कशन करेंगे, बेसिक एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम यूनिवर्सल गेट्स स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो आपका लॉजिक गेट होगा, आई थिंक नंबर 5 होगा आपका, ये आपका होगा नॉर गेट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने नैंड गेट स्टडी किया था, बिल्कुल सेम आपका नॉर गेट भी हो जाएगा। मैंने बताया भी था आपको कि जो एनालिसिस आपका एंड गेट का होगा वही और का होगा, जो नैंड का होगा वही नॉर का होगा। लेकिन जस्ट रिविजन कराने के लिए इसका एनालिसिस मैं दोबारा से फिर से आपको करवा रहा हूं, तो आप ध्यान से देख लो। नॉर गेट आपका इस तरीके से बनता है, ए बी, और आंसर क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार। तो यहां पर अगर मैं ट्रुथ टेबल आपको शो कर दूं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, देखो आप सिंपली और का आंसर याद रखो, और का बस कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो 0 0 का और क्या होता है, 0 होता है, तो यहां आंसर हो जाएगा 1। कोई भी एक आंसर 1 रहे तो और क्या होता है, 1 होता है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो यह आपका बेसिकली आंसर हो जाता है नॉर गेट का। और नॉर गेट को भी आपको उसके काम से याद रखना है, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था। नैंड गेट में क्या बोला था, जितने भी इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा और होल बार करेगा। वैसे ही नॉर गेट में भी आप कैसे माइंड में रखोगे, जितने भी इनपुट रहेंगे सबको ऐड करेगा, चाहे 2 इनपुट हो चाहे 10 इनपुट हो, जितने भी इनपुट रहेगा सबको ऐड करेगा और होल बार करेगा। ये लॉजिक, ये सिचुएशन आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने नैंड गेट में 4 to 5 पॉइंट स्टडी किए थे, सिमिलरली सेम पॉइंट्स हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले कोई ऐसी सिचुएशन ले लूं आपके सामने ए बी, तो अब आप लोग इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हेलो लिपिका, इसका आंसर सबके सब बताओ, आपको याद होगा बबल। ये बेसिकली क्या है, बबल्ड नॉर गेट है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है, स्टडी कर लिया है, तो आपको याद होगा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बबल नैंड गेट स्टडी किया था। तो जैसे मैंने आपको नैंड गेट का वर्क सिखाया था कि उसको उसके काम से याद रखना है, वैसे ही नॉर गेट को भी उसके काम से ही आपको याद रखना है, तो आपको काफी आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो बबल नॉर गेट किसके इक्वल आ रहा है आपका, किसी का भी आंसर आया, बबल नॉर गेट इज इक्वल टू, देखो ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको आइडिया रहना चाहिए बेसिक्स का। वेरी गुड शुभम, ए बी। तो नॉर गेट, नॉर गेट का काम मैंने क्या बोला, जितने भी इनपुट रहेंगे, वेरी गुड, एंड गेट, बहुत बढ़िया लिपिका, ए बी होगा आंसर। तो जितने भी आपके इनपुट रहेंगे, इनपुट क्या क्या है, ए बार और बी बार, तो ए बार और बी बार जितने इनपुट रहेंगे सबको एड करेगा और होल बार करेगा। ठीक है, ये होता है नॉर गेट का काम। तो बस अब आप क्या करोगे, डी मॉर्गस लगाओगे, तो ए बार का बार, बी बार का बार, कितना आंसर हो जाएगा आपका, ए बी, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया पॉइंट। तो आप क्या लिखोगे, बबल नॉर गेट इज ऑलवेज इक्वल टू एंड गेट, जैसे बबल नैंड गेट और गेट के इक्वल था। सेकेंड पॉइंट, अब आई होप सबके सब ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, इनेबल एंड डिसेबल। अब तो सबके सब बता दो, कम से कम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 बार किया था ये टास्क। ठीक है, इनेबल एंड डिसेबल। हाय अनन्या, अनन्या आज बनना चाहिए इनेबल एंड डिसेबल। लिपिका आपसे भी, शुभम का ही सिर्फ आंसर आया था प्रीवियस लेक्चर में इनेबल एंड डिसेबल का, और जो बाकी जो भी प्रेजेंट है सबसे बनना चाहिए इनेबल एंड डिसेबल आज। तो कितना आंसर आएगा, अब अगर मैं चेक करूं तो आप ध्यान से देखो, एक ले लोगे 0 और एक ले लोगे वेरिएबल, फिर क्या करोगे, एक को ले लोगे 1 और एक को ले लोगे फिर से वेरिएबल,
तो वेरिएबल जीरो हो सकता है वन, तो वेरिएबल जब जीरो होगा तो जीरो जीरो कितना होता है वन, वेरिएबल जब वन होगा तो वन जीरो का कितना होता है जीरो, तो आप देख सकते हो वेरी गुड शुभम, कंट्रोल जीरो। यहां पर जब वेरिएबल जीरो होगा तो जीरो वन का कितना होगा जीरो, जब वेरिएबल वन होगा तो वन जीरो का भी जीरो। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जब कंट्रोल जीरो था तो वर्टिकली देखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जब इनपुट पे चेंजेस हुए तो आउटपुट पे भी चेंजेस हुए, आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जब कंट्रोल वन रहा तो इनपुट डिफरेंट तो दिए हमने लेकिन आउटपुट आपको क्या मिले, सेम मिले। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला होगा डिसेबल एंड दिस वन इनेबल। ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इनेबल डिसेबल के बाद फिर से वही कंसेप्ट अनयूज्ड इनपुट का। तो अनयूज्ड इनपुट हमारा क्या होगा, सबके सब जल्दी से बता दो, ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो अनयूज्ड इनपुट का क्या कंसेप्ट था, कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और आप चाहते हो कि आपका आंसर ए प्लस बी का बार आए, ठीक है ना, आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हैं और आप चाहते हो कि आपका आंसर क्या है, ए प्लस बी का बार आए, लेकिन तीन इनपुट वाला अगर नॉर गेट है तो थर्ड इनपुट ऐसा क्या दें कि आंसर ए प्लस बी का बार ही रहे, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड इनपुट क्या दोगे आप, जीरो। तो ए प्लस बी प्लस जीरो का बार, आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। तो नॉर गेट में जो आपका अनयूज्ड इनपुट होगा वो जीरो होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जो आपका अनयूज्ड इनपुट होगा वही आपका इनेबल भी होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो जो आपका इनेबल है वही अनयूज्ड इनपुट है, जो अनयूज्ड इनपुट है वही इनेबल है। सबको अब क्लियर है अच्छे से सिचुएशन। सेम वैसे ही अगर हम लास्ट देखें कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, कि चाहे आप ए बी सी लिखो तब भी आंसर ए प्लस बी प्लस सी का बार आएगा, चाहे आप सी बी ए लिखो तब भी आंसर जो आएगा सी प्लस ए प्लस बी का बार या सी प्लस बी प्लस ए का बार, वो ऑलवेज इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के बार के। मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी गेट में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर एक लॉजिक गेट के लिए आपकी सेटिस्फाई होकर रहेगी। मेन लॉजिक क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव तो सेटिस्फाई हो गई, मेन लॉजिक अगर आप देखोगे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी का बार करो, फिर क्या करो, पहले ए प्लस बी का बार करो, मतलब ए और बी का नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करो, फिर सी के साथ नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करो। अगर आंसर सेम आ जाएगा इन दोनों का तो आप बोलोगे एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रही है, नहीं आएगा तो बोलोगे नहीं हो रही है। तो देखो जब ए प्लस बी का बार और सी का नॉर करोगे, तो मैंने नॉर गेट का काम क्या बताया है, जितने इनपुट रहेंगे, इनपुट कौन कौन है, ए प्लस बी का बार है और सी है, दोनों को पहले ऐड करेगा और फिर होल बार कर देगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं है। तो ऐसा ही सेम आपका नैंड गेट में भी हुआ था। तो एसोसिएटिव यहां पर सेटिस्फाई नहीं होती और कम्यूटेटिव आपकी सेटिस्फाई होती है। तो एग्जैक्टली सेम एनालिसिस था, जस्ट मैंने रिविजन के लिए आपको करवाया है, ओनली फॉर रिविजन पर्पस, ठीक है। तो कम्यूटेटिव कब सेटिस्फाई होगी, जब ए बी सी की जगह सी बी ए करो, मीनिंग सेम रहेगा। एसोसिएटिव कब सेटिस्फाई होगी, जब पहले ए बी सी कर लो उसके बाद पहले दो को करो फिर थर्ड वाले के साथ करो, तो सेम आना चाहिए, यहां पर सेम नहीं आ रहा, कम्यूटेटिव के लिए सेम था। तो इस तरीके से आप नॉर गेट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और इसके बाद जो लास्ट के दो गेट्स हमें बचे हैं स्पेशल गेट्स, उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखो, जो आपका सिक्स्थ गेट है वो है आपका एक्सोर। तो बेसिकली आपका एक्सोर गेट क्या होता है, आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ए बी ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा आप लिखते हो ए एक्सोर बी, ये आपका नोटेशन होता है एक्सोर का, ठीक है। तो जो हमने एक्सोर लिखा है उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, मतलब ये तो इनपुट है, ये तो ऑलवेज हर एक लॉजिक गेट में सेम होंगे। जो आपका आउटपुट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका आउटपुट क्या होगा, ध्यान से देखो, जीरो जीरो
जीरो जीरो पर जीरो, जीरो वन पे वन, फिर वन, फिर जीरो। दैट मीन्स आपको कैसे माइंड में रखना है, एक्स और गेट के लिए टू इनपुट के लिए, अभी हम टू इनपुट की बात कर रहे हैं, जब भी आपके इनपुट सेम रहेंगे तो आपका आंसर जीरो आएगा, जब भी आपके इनपुट डिफरेंट रहेंगे तो आपका आंसर वन आएगा। इस तरह का लॉजिक है जो आपको ऑलवेज माइंड में रखना है। लॉजिक क्लियर हो गया पॉइंट? जब भी आपके इनपुट सेम रहेंगे आंसर जीरो, जब भी इनपुट डिफरेंट रहेंगे आंसर वन। तो ये जो आपका ए एक्स और बी है, अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहते हो तो जनरली हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देखो एसओपी फॉर्म के लिए ये वन है और ये वन है, तो अगर आप आंसर लिखोगे क्या होगा, देखो ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये इक्वेशन भी आपको ऑलवेज माइंड में रखना चाहिए, रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रुथ टेबल क्लियर है तो इक्वेशन आप खुद से कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ऑलवेज माइंड में रखना होगा, ए बार बी प्लस ए बी का बार वाला इक्वेशन। लॉजिक क्लियर है? ये आपका होता है एक्सओर का इक्वेशन, ठीक है। तो एक्सओर में भी पहले हम लोगों ने जो पॉइंट स्टडी कर लिए हैं वही पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में यहां पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग एक काम करो, पहले इनेबल एंड डिसेबल का एनालिसिस करके मुझे बताओ सबके सब। अब तो एटलीस्ट सबको बताना चाहिए, इनेबल एंड डिसेबल मुझे बताओ कि किसमें इनेबल होगा और किसमें आपका डिसेबल होगा। ओके, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया, दोनों में ही आएगा, गुड, बहुत ही एक्सेलेंट। तो अगर आप देखोगे ए कंट्रोल जीरो और ए कंट्रोल वन, तो ए आपका वेरिएबल है, तो ए आपका जब जीरो होगा या वन होगा, तो जब ए जीरो होगा तो जीरो जीरो का कितना है, जीरो। ए जब वन होगा तो वन जीरो का कितना है, वन, ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे ए जीरो होगा या वन होगा, तो जीरो वन का कितना है, वन, वन वन का कितना है, जीरो। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने ऑलवेज बोला आपको वर्टिकली देखना है, तो जब ये इनपुट आपके अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग है, आउटपुट दोनों सेम नहीं है तो इनेबल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आपको मिल रहा है। सेम यहां पर भी, जब इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग है, आउटपुट आपके दोनों सेम नहीं है, मतलब काम हो रहा है यहां पर। तो एक्चुअल में एक्स और गेट की सबसे खास बात यही है कि एक्स और गेट में आपको दोनों के दोनों इनेबल मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, और फॉर द फर्स्ट टाइम किसी गेट में ऐसा हुआ है कि हमें दोनों के दोनों इनेबल मिले हैं, इसलिए आपको अब एक नई चीज करनी है, ध्यान से सुन लो। पहले हमने कभी नहीं किया क्योंकि सिर्फ एक ही में इनेबल मिलता था, अब आपको एक नई चीज करनी है। अब आप ये देखोगे कि जब आपने कंट्रोल जीरो दिया तो ये कैसे काम किया, जब आपने कंट्रोल वन दिया तो कैसे काम किया। पहले तो सिर्फ एक ही में काम करता था ना, आप तो दोनों में काम कर रहा है। तो देखो ध्यान से, फॉर द फर्स्ट टाइम अब आप ऐसे ऐसे भी देखोगे, अभी तक मैंने आपको ऐसे ऐसे देखने बोला था वर्टिकली, मतलब बोला था कि ऐसे देखो ये चेंज है कि सेम है। अब आप ऐसे देखो, जब ए जीरो था तो आउटपुट जीरो आया, जब ए वन था तो आउटपुट वन आया, जब ए जीरो था आउटपुट वन आया, जब वन था तो जीरो आया। मतलब जब आप कंट्रोल जीरो अप्लाई करते हो तो एक्सओर गेट बिहेव करता है लाइक अ बफर, और जब आप कंट्रोल वन अप्लाई करते हो तो ये बिहेव करता है लाइक अ इन्वर्टर। मतलब जब आपने कंट्रोल जीरो अप्लाई किया तो जीरो पे जीरो मिला, वन पे वन, जब सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिले तो उस सर्किट को कहते हैं बफर। बफर मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिला। तो जब कंट्रोल जीरो दोगे तो एक्सओर गेट विल बिहेव लाइक अ बफर। जब आप कंट्रोल वन दोगे तो जीरो का वन मिला, वन का जीरो मिला, मतलब नॉट गेट हुआ, तो इन्वर्टर बोलते हैं उसको। तो जब आप कंट्रोल वन दोगे तो एक्सओर गेट विल बिहेव लाइक अ इन्वर्टर। तो ये आपके लिए एक न्यू थ्योरी हो गई जो आपको माइंड में रखना है। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर दोनों में आपको इनेबल मिला था। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। नाउ सेकेंड पॉइंट, अनयूज्ड इनपुट। तो अभी तक अगर आप एक पॉइंट याद करोगे तो मैंने अभी तक आपको यही बोला है कि जो जो इनेबल होता है वही क्या होता है, अनयूज्ड होता है। चारों के चारों में यही सिचुएशन आई है। यहां पर तो दोनों में इनेबल है, तो अनयूज्ड क्या दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि जो एक्सओर गेट होते हैं आपके, एक्सओर गेट सिर्फ दो इनपुट के ही अवेलेबल होते हैं, तीन इनपुट का कोई रोल ही नहीं होता एक्सओर गेट में। एक्सओर गेट आर ओनली अवेलेबल फॉर टू इनपुट्स ओनली,
थ्री इनपुट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अनयूज्ड इनपुट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको कोई बोलता है ना कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी निकाल के बताओ, लेट सपोज आप एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक लेके आए, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए, और फिर आप इंटरव्यू के लिए गए, किसी ने बोला ए एक्सोर बी एक्सोर सी बना के दिखाओ, तो ऐसे मत बना देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाओगे, पहले ऐसे लिखोगे ए एक्सोर बी, फिर ऐसे लिखोगे ए एक्सोर बी और सी का एक्सोर, मतलब कितना आ जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये तरीका होता है, ठीक है। तो एक्सोर गेट में अनयूज्ड इनपुट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, एक्सोर गेट आर अवेलेबल विद टू इनपुट्स ओनली, जबकि एंड नैंड नॉर और ये सारे टू इनपुट से ज्यादा के अवेलेबल होते हैं, बट एक्सोर गेट अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से नोट करना, एक्सोर गेट में बहुत सारे नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे, फिर एक्सनॉर बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका होता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। जैसा कम्यूटेटिव के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से, दैट मींस ए बी का करो चाहे बी ए का करो, आंसर सेम आएगा, ए एक्स और बी हो चाहे बी एक्स और ए हो। तो कम्यूटेटिव जो है ना वो हर एक लॉजिक गेट पे सेटिस्फाई होकर ही रहेगी, और जहां तक सवाल है एसोसिएटिव का, वो भी सेटिस्फाई होगी। यहां पर आपको अगर ए एक्स और बी एक्स और सी चाहिए तो आप पहले दो का करो फिर तीसरे का करो, या आप चाहते हैं तो यहां पर ये भी कर सकते थे, पहले आप बी और सी का कर लेते तो बी एक्स और सी मिल जाता, और उसके बाद आप ए का कर लेते तो आपको वापस से ए एक्स और बी एक्स और सी मिल जाता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है फॉर एक्सोर गेट। तो चाहे कम्यूटेटिव हो एसोसिएटिव हो, दोनों सेटिस्फाई होगी। एक पॉइंट ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हर एक लॉजिक गेट के लिए सेटिस्फाई होती है, और जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट और नॉर गेट के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, बिकॉज ऑफ होल बार, दैट्स इट। बाकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बाकी बचे लॉजिक गेट्स के लिए ऑलवेज सेटिस्फाई होगी, और जो एनालिसिस हम लोग एक्सोर गेट के लिए कर रहे हैं सारे के सारे एनालिसिस आपके एक्सनॉर गेट के लिए वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक एनालिसिस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा एनालिसिस है जो मैं अब डिस्कस करवाऊंगा आपको, तो पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ओके, अब आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर अगर लिखूं ए एक्सोर ए, तो कोई बता सकता है आंसर क्या होगा, ए एक्सोर ए का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ए एक्सोर ए इसका आंसर क्या होगा आपका, अगर यहां पर हम लोग मेंशन करें ए एक्सोर ए तो व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी ए एक्सोर ए का आंसर हमारा क्या होगा, वेरी गुड शुभम, जीरो। क्यों, अभी तो बताया था जब सेम रहेंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा ना। अनन्या ए प्लस ए थोड़ी ना कर रहे हैं, ए एक्सोर ए कर रहे हैं, ए एक्सोर ए मतलब दोनों सेम है, तो सेम पे क्या आता है जीरो, अपोजिट पे क्या आता है, अपोजिट पे आता है, ठीक है लिपिका, जीरो, अपोजिट पे क्या आता है वन आता है, तो ए एक्सोर ए बार कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होंगे। उसके बाद अब आप मुझे बताओ ए एक्सोर ए एक्सोर ए कितना होगा, सबके सब स्पीड से ए एक्सोर ए एक्सोर ए ये कितना होगा, जल्दी बताओ सबके सब ए एक्सोर ए एक्सोर ए, ए एक्सोर ए एक्सोर ए कितना होगा, देखो जब तीन का करना हो ना तो तरीका क्या होता है, पहले दो का करो, जो आंसर आ रहा है उसको थर्ड वाले के साथ कर लो, ठीक है। तो पहले ए एक्सोर ए करो, ए एक्सोर ए कितना आया था हमारा, ए एक्सोर ए हमारा आया था जीरो, तो आप देख सकते हो फिर जीरो का किसके साथ कर लो, थर्ड वाले के साथ कर लो। लॉजिक आपको क्लियर हो गया अच्छे से, तो कितना आया बताओ। ओके, लिपिका ने आंसर दिया ए, देखो ध्यान से देखो, ए एक्सोर ए आपका जीरो आ गया, तो जीरो एक्सोर ए आपको करना है, और आप खुद सोचो जीरो एक्सोर ए तो अभी अभी आपने किया था,
जहां पर आपने इनेबल डिसेबल चेक किया था, एक को आपने वेरिएबल ए दिया था और एक को कंट्रोल जीरो दिया था, तो वो कैसे काम किया था, लाइक अ बफर। तो आंसर कितना आया था आपका, ए। और देखो अगर किसी को नहीं करने बनता है ना, तो एक बात अच्छे से समझ लो। देखो अगर आपको ए एक्सोर जीरो करना है, लेट सपोज, तो ऑलवेज क्या क्या करो, आप देखो जीरो एक कांस्टेंट है और ए एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो ऑलवेज फिक्स रहेगा, ए जो है वो जीरो भी हो सकता है, वो वन भी हो सकता है। अपने माइंड में सोचो, अगर ए जीरो होता, अगर ए जीरो होता तो जीरो एक्स और जीरो कितना होता है, जीरो। अगर ए वन होता तो वन एक्स और जीरो कितना होता है, आपका वन होता है। तो मतलब खुद सोचो, ए जीरो था तो आंसर जीरो आया, जब ए वन था तो आंसर वन आया, मतलब जो ए था वही आंसर आया। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे एक और एग्जांपल, ए एक्स और ए, अगर ए जीरो होता तो आंसर क्या आता, जीरो एक्स और जीरो, जीरो। आप देख सकते हो, ए वन होता तो वन एक्स और वन आंसर क्या आता, जीरो। मतलब चाहे ए वन हो चाहे जीरो हो, आंसर दोनों बार जीरो आ रहा है, मतलब आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो जीरो लिख दोगे। जब आंसर अलग अलग आएगा ना, जैसे इस केस में आया था तो आपने वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, जैसे देखो यहां पर एक और, ए एक्स और वन, जब ए जीरो होगा तो जीरो एक्स और वन कितना होता है, वन। जब ए वन होगा तो वन एक्स और वन कितना होता है, जीरो। तो आप देखो, जब ए जीरो था तो आंसर कितना आया है, वन आया है, जब ए वन था तो आंसर जीरो आया है, मतलब आंसर वेरिएबल है। तो किसके फॉर्म में लिखोगे, पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो ए है। तो ए जीरो था तो वन आया, जब वन था तो जीरो आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बार। तो इस तरीके से ना, आपको ना सिर्फ एक्सोर गेट की बात नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। आंसर अगर हमेशा कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ए एक्सोर ए बार, अगर ए जीरो होगा तो जीरो एक्सोर वन, वन होता है, ए वन होगा तो वन एक्सोर जीरो, फिर से वन होता है। तो चाहे ए जीरो हो चाहे वन हो, आंसर वन ही आएगा। तो जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट लिखो, जब वेरिएबल हो तो देखो फिर जो वेरिएबल इनपुट में था उससे कैसे रिलेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिख लो। तो कितना आ गया, ए। नाउ नेक्स्ट, ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, अगर मैं चार बार करूं तो आंसर क्या आएगा, जल्दी स्पीड से बताओ, ए एक्स और, वेरी गुड वेरी गुड, जीरो। ठीक है, क्यों, तीन का आंसर क्या था, ए था, और ए एक्स और ए वापस से क्या आ गया, जीरो। अब अगर आप पांच बार करते हो, लास्ट, बस लास्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो एक दो तीन चार पांच, तो चार बार का आंसर क्या था, जीरो था, और जीरो एक्स और ए वापस से क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए एन टाइम्स करते हो तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका जीरो होगा, या आंसर आपका ए होगा। जीरो कब होगा, जब एन आपका क्या होगा, इवन, एन इज इवन, और ए कब होगा, व्हेन एन इज ऑड। ये आप अच्छे से नोट कर लो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि जब एन इवन होगा तो क्या होगा, और जब एन ऑड होगा तो आपका क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, लेट सपोज अगर मैं ऐसा लिखता हूं, नेक्स्ट एनालिसिस, ए एक्स और बी इज इक्वल टू सी है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए एक्स और बी जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है, तो यहां पर देखो आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो जीरो वन वन जीरो। ठीक है, तो अगर मैं मेंशन करता हूं कि ए एक्स और बी सी के इक्वल है, तो उससे हम क्या क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके शुभम, डिजिटल के लिए देखो, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग है और जो क्लास में पढ़ रहे हो एवरीथिंग आपको क्लियर है, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो मॉरिस मेनो पढ़ सकते हो, और लगता है कि नहीं हमें अभी और बेसिक पढ़ना है या सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देखने हैं शुरुआत में, तो आनंद कुमार ले सकते हो। ठीक है, दोनों बुक ठीक है, मॉरिस मेनो काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि हमेशा स्टार्ट ना गेट के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल से करो, अगर आप गेट के स्टूडेंट हो, और अगर आप नेट के स्टूडेंट हो तो मतलब जो भी आपका एग्जाम है उसकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम 10 टू 15 इयर्स की ले लो और उसी को सॉल्व करो स्टार्ट में, उससे ना आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपका ए एक्स और बी सी के इक्वल है तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से मेरा पॉइंट देखना, बी और सी को देखो, बी और सी को
जीरो जीरो पे जीरो, वन वन पे जीरो, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन। फिर से देखो, जीरो एक्सोर जीरो कितना होता है जीरो, वन एक्सोर वन जीरो, जीरो एक्सोर वन वन, वन एक्सोर जीरो वन। इसका मतलब जब भी आपका ए एक्सोर बी सी के इक्वल है तो बी एक्सोर सी हमेशा ए के इक्वल होगा, ये ऑलवेज होगा ऑलवेज। फिर देखो ए और सी को, जीरो एक्सोर जीरो जीरो, जीरो एक्सोर वन वन, वन एक्सोर वन जीरो, वन एक्सोर जीरो वन। मतलब ए एक्सोर सी हमेशा बी के इक्वल होगा, मतलब अगर ये हो रहा है तो ये दोनों ऑलवेज होगा। एक और होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना ना, तीनों का करो। तो तीन का करने के लिए क्या तरीका सिखाया हूं, पहले दो का करो, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ करना है। तो जीरो एक्स और जीरो, जीरो एक्स और जीरो कितना होगा जीरो होगा, सेम पे देखो ऐसे याद कर लो, सेम पे जीरो अपोजिट पे वन। तो जीरो एक्स और जीरो जीरो, जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ, तो जीरो एक्स और जीरो फिर से जीरो, जीरो एक्स और वन वन, जो आंसर आया है वन एक्स और वन जीरो, वन वन एक्स और जीरो वन, वन एक्स और वन जीरो, वन एक्स और वन जीरो, जीरो एक्स और जीरो जीरो। मतलब ए एक्स और बी एक्स और सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या आपके लिए कि जब भी ये कंडीशन होगी तो ये तीनों ऑटोमेटिकली फॉलो होगी, बिना किसी कारण के ए एक्स और बी एक्स और सी जीरो मत लिख देना, ये हमेशा जीरो नहीं है, जब ये होगा तब है, ये पॉइंट समझना ठीक है। ये तीनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लो आप, सबको यहां सिचुएशन क्लियर हो गई अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। सो नाउ इसी में एक्सोर गेट में अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर मैं आपको बोलूं अब थ्री वेरिएबल एक्सोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहां पर ये नहीं बोला थ्री इनपुट, क्योंकि थ्री इनपुट तो होते नहीं है एक साथ में, लेकिन थ्री वेरिएबल ऑपरेशन हो सकता है एक्सोर में, पहले ए एक्सोर बी कर लो फिर एक्सोर सी कर लो। तो ध्यान से देखो कितना होगा, ए बी सी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बोल रखा है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए, काउंटिंग हर किसी को आनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो थ्री वेरिएबल मतलब जीरो से सेवन तक मैंने काउंटिंग लिख दी। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, थ्री वेरिएबल का जब भी करना होगा पहले दो का करो, जो आंसर आएगा थर्ड वाले के साथ। तो जीरो एक्स और जीरो जीरो, और फिर एक्स और जीरो मतलब जीरो, जीरो एक्स और जीरो जीरो, जीरो एक्स और वन वन, जीरो एक्स और वन वन, वन एक्स और जीरो वन, जीरो एक्स और वन वन, वन एक्स और वन जीरो, वन एक्स और जीरो वन, अगेन आंसर वन, वन एक्स और जीरो वन, वन एक्स और वन जीरो, वन एक्स और वन जीरो, जीरो एक्स और जीरो जीरो, वन एक्स और वन जीरो, जीरो एक्स और वन वन। तो आप देखो क्या सबसे करते बन रहा है इतनी स्पीड में, आपको करना आना चाहिए, डाउट हो तो पूछ लो। मैंने क्या बोला आपको कि पहले आपको दो का करना है, जो भी आंसर आएगा दो का करने में उसको आप थर्ड के साथ परफॉर्म करोगे। लॉजिक क्लियर हो गया सबको अच्छे से, जो भी टू का करने में आंसर आपको मिलेगा उसको थर्ड के साथ आपको परफॉर्म करना होगा। तो ये जो आपका थ्री वेरिएबल एक्सोर ऑपरेशन है ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में भी आप देख लो, ये आंसर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम में रहा है। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होना उसे हमें माइंड में रखना चाहिए। आप अभी सिलेबस में भी देखोगे जब कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट होगा तो ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा। तो इसलिए यहां पर आप अगर इसे सिग्मा एम के फॉर्म में लिखते हो तो आप ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा। सिग्मा एम मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लिखते हैं, जहां जहां पे वन है वो नंबर लिखते हैं, तो वन पे है, टू पे है, फोर पे है और सेवन पे है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे आप आज से कि जब भी आपको 1247 मिलेगा थ्री वेरिएबल के लिए, देखो यहां मेंशन रहेगा वाई जो है आउटपुट है जो कि थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आज के बाद से जब भी आपको 1247 दिखाई देगा सिग्मा एम में, हमेशा ध्यान रखना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिख लिख के इक्वेशन लिख के सॉल्व मत करते रहना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो जब भी आपको 1247 दिखाई देगा तो ऑलवेज ऑलवेज आप क्या लिख दोगे, ए एक्सोर बी एक्सोर सी।
उसके अलावा आपको और कुछ भी थिंक नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका होता है थ्री वेरिएबल्स का XOR ऑपरेशन। सबको सिचुएशन क्लियर हो गई अच्छे से? ओके, अब जो हमें बेसिक पढ़ना है वो लास्ट गेट का पढ़ना है, XNOR का। तो XNOR का जो नोटेशन होता है, देखो काफी चीजें अब सेम मिलने वाली है आपको, तो थोड़ा स्पीड से करेंगे इसे हम लोग। ये नोटेशन होता है आपका 0001 1011। XOR गेट आपका क्या था? XOR में क्या हो रहा था, जब सेम था तो जीरो था अपोजिट पे वन, यहां पे उल्टा है, यहां सेम पे वन है अपोजिट पे जीरो है। तो चूंकि यहां पर आपको सेम इनपुट पे, चूंकि यहां पर आपको सेम इनपुट पे वन मिलता है, इसलिए इसे गेट ऑफ इक्विवेलेंस या इक्वेलिटी डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहां पर आपको सेम इनपुट पे वन मिलता है, सेम इनपुट पे आपको यहां पर वन मिलता है, इसलिए इसे गेट ऑफ इक्विवेलेंस या इक्वेलिटी डिटेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। फिर से अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें तो पहला पॉइंट वही होगा, इनेबल एंड डिसेबल। अब ये बहुत सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर, तो इसको हम लोग अब स्पीड से फिनिश करेंगे। कुछ भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है यहां पर, तो एक बार कंट्रोल जीरो, एक बार कंट्रोल वन, और वेरिएबल आप ए अप्लाई करोगे तो ए जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, यहां पर भी ए जीरो वन कुछ भी हो सकता है। तो जीरो जीरो का वन, वन जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो, वन वन का वन। तो यहां पर भी आप क्लियरली विजिबल है आपको कि दोनों बार ही ये इनेबल है। आप देख लो यहां पर भी आउटपुट चेंज हो रहा है, यहां पर भी आउटपुट चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों बार ही इनेबल है। इसलिए अब आप देखोगे कंट्रोल जीरो पे कैसे काम कर रहा है और कंट्रोल वन पे कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, कंट्रोल जीरो जब आपने दिया तो जब ए जीरो था तो वन मिला, जब वन था तो जीरो मिला, मतलब कैसे काम कर रहा है इन्वर्टर। जब आपने कंट्रोल वन दिया तो जब ए जीरो था तो जीरो मिला, जब ए वन था तो वन था, तो कितना मिला आपको ये ऐसे काम कर रहा है लाइक अ बफर, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आपकी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, एक भी चेंज नहीं है इसमें। आप देख सकते हो जो हम लोगों ने XOR में पढ़ा सेम चीज मैं रिव्यूजन करवा रहा हूं आपको XNOR में। सिचुएशन आपको क्लियर हो गई अच्छे से? तो ये इनेबल और डिसेबल, अगेन यहां पर भी अनयूज्ड इनपुट का कोई कोई कंसेप्ट नहीं है, अनयूज्ड इनपुट का कोई कंसेप्ट नहीं है। XOR गेट और XNOR गेट दोनों के दोनों ही सिर्फ टू इनपुट में अवेलेबल होते हैं। तो XOR गेट और XNOR गेट किसी में भी अनयूज्ड इनपुट का आपका कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ये सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर रखनी है, ठीक है। तो चाहे आपका XOR गेट हो, चाहे आपका XNOR गेट हो, दोनों में ही अनयूज्ड इनपुट का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, अब आई होप आप लोग समझ ही चुके होंगे बहुत अच्छे से। कम्यूटेटिव जो है वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी, मतलब चाहे आप ए XNOR बी करो, चाहे आप बी XNOR ए करो, दोनों का मीनिंग हमेशा सेम रहता है। ये भी आपका ए XNOR बी के ही इक्वल हो जाएगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। और एसोसिएटिव का मतलब भी यहां पर सेम रहेगा आपका, जो हमने वहां पढ़ा था, चाहे आप पहले ए XNOR बी कर लो, फिर आप सी के साथ कर लो, तो कितना हो जाएगा ए XNOR बी XNOR सी, या पहले बी XNOR सी कर लो और फिर आप यहां पर ए के साथ कर लो, उस सिचुएशन में भी आपको ए XNOR बी XNOR सी ही मिलने वाला है। तो कम्यूटेटिव हो चाहे एसोसिएटिव हो, सिर्फ और सिर्फ नैंड और नॉर गेट ही ऐसे हैं जहां पर एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं करती, अदरवाइज हर प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। और कम्यूटेटिव तो 100% हर एक लॉजिक गेट के लिए आपकी सेटिस्फाई करेगी। तो ये सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से माइंड में रखनी है, ठीक है। और यहां पर इक्वेशन भी आप लिख सकते थे ना इसका, देखो अगर आप इक्वेशन लिखते तो क्या आता एसओपी फॉर्म में, ए बार बी बार प्लस ए बी, आप देख सकते हो यहां पर वन है और यहां पर वन है, तो ए बार बी बार था और यहां पर क्या था ए बी था, ठीक है।
तो ये आपका वही बेसिक्स था जो हम लोग हर एक लॉजिक गेट पे पढ़ते आ रहे हैं, सेम चीज सिक्स टाइम रिपीट हो रही है, सोच लो अब छठवीं बार रिपीट कर रहा हूं मैं। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से? देखो फिर से वही पॉइंट कि ए एक्स नॉर ए कितना हो जाएगा, देखो ए और ए दोनों सेम है, सेम पे क्या आता है वन, फिर ए एक्स नॉर ए कितना हो जाएगा, देखो दो का करने पे वन, और वन और ए का एक्स नॉर कितना आएगा। अभी मैंने आपको तरीका सिखाया है कि जब भी वेरिएबल के साथ हो रहा हो वन एक्स नॉर ए, तो एक बार ए को दिमाग में जीरो रखो, एक बार वन रखो, तो जब वन एक्स नॉर ए करोगे तो जब ए जीरो होगा तो जीरो और वन का क्या होता है जीरो, और जब ए वन होगा तो वन और वन का क्या होगा वन, मतलब जो ए था वही आंसर आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका ए, ठीक है। मैं यहां लिख के दिखाता हूं फिर से आपको ए एक्स नॉर वन, तो जब ए जीरो होगा जीरो वन का क्या होता है आंसर आपका जीरो होता है, एक्स नॉर है ना अपोजिट पे जीरो सेम पे वन, और जब ए वन होगा तो वन वन का आंसर क्या होगा वन होगा, मतलब जब ए जीरो था तो आंसर जीरो आया, जब ए वन था तो आंसर वन आया, तो क्या आंसर आ रहा है ए। फिर देखो ए एक्स नॉर ए तीन बार करोगे तो ए, और ए ए का कितना होता है वन, फिर से चार बार करोगे तो वन, वन और ए का कितना होता है ए। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि अगर आप ए एक्स नॉर ए एन टाइम्स करते हो तो आंसर कितना मिलेगा आपको वन व्हेन एन इज इवन और ए व्हेन एन इज ऑड। ये सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर रखनी है, ठीक है। जस्ट मैं रिव्यूजन करवा रहा हूं आपको, जो हम लोगों ने अभी एक्सोर गेट पढ़ा है उसी के तरह का एनालिसिस है, आप देख लो कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन अच्छे से माइंड में रखो, अच्छे से चीजों को याद रखो, कंसेप्ट को समझो, मेन बात यह है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि अगर ए एक्स नॉर बी आपका सी के इक्वल हो, जो मैंने मेंशन कर दिया यहां पर ए एक्स नॉर बी सी के इक्वल था, तो फिर से आप चेक करके देख सकते हो, बी और सी को चेक करो, जीरो वन का जीरो, वन जीरो का जीरो, जीरो जीरो का सेम पर वन, वन वन का वन, मतलब बी एक्स नॉर सी ए के इक्वल होगा, और ए एक्स नॉर सी देख लो जीरो वन का जीरो, जीरो जीरो का वन, वन जीरो का जीरो, वन वन का वन, और ए एक्स नॉर सी किसके इक्वल होगा बी के, और एट लास्ट आप देख लो तीनों का। तो जब भी आपको तीनों का दिखना हो तो पहले दो का करो, जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड वाले के साथ करो, तो जीरो जीरो का वन और वन वन का वन, जीरो वन का जीरो, फिर जीरो जीरो का सेम पे वन होता है ना तो वन, वन जीरो का अपोजिट पे जीरो तो वन जीरो का जीरो, फिर जीरो जीरो का वन, वन वन का वन, फिर से वन वन का वन, मतलब ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी इक्वल टू वन। तो अगर आपका ये सिचुएशन है तो ये तीनों सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपकी सेटिस्फाई हो कर रहेगी, ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपको ऑलवेज माइंड में रखना होगा कि जब आपकी ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस ए एक्स नॉर बी सी के इक्वल हो रहा है, तो ये कंक्लूजन आपके ऑटोमेटिकली होंगे, जैसा आपका एक्सोर गेट में भी हुआ था, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रखो। अच्छा अब मुझे सबके सब ये बताओ सोच के कि एक्सोर और एक्सनॉर गेट में क्या रिलेशन होता है, मतलब ऑपरेशन में क्या रिलेशन होता है। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि एक्सोर और एक्सनॉर के रिलेशनशिप में क्या, मतलब एक्सोर और एक्सनॉर के ऑपरेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, जो भी आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ सबके सब कि एक्सोर और एक्सनॉर के रिलेशनशिप में या ऑपरेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, या रिलेशनशिप में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये मुझे बताओ। एक्सोर के आंसर और एक्सनॉर के आंसर में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा शुभम ने बोला अपोजिट, और मैक्सिमम लोग यही समझ के चलते हैं कि अपोजिट होता है, एक्सोर एक्सनॉर अपोजिट है। तो अब आप यहां पर देखो थ्री वेरिएबल एक्सनॉर,
ध्यान से आप समझना इस पॉइंट को, थ्री वेरिएबल मतलब फिर से वही सिचुएशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7. जब तीन का करोगे तो पहले किसका करोगे, दो का, फिर उसके आंसर का थर्ड के साथ, तो 0 0 का 1 1 0 का 0 0 0 का 1 1 1 का 1 0 1 का 0 0 0 का 1 0 1 का 0 0 0 का 1 0 1 का 0 0 0 का 1. ध्यान रखना एक ही कंसेप्ट माइंड में रखना है, सेम पे 1 मिलेगा, अपोजिट पे 0 मिलेगा, ठीक है. 1 0 का 0 0 1 का 0 1 1 का 1, फिर से 1 0 का 0 1 1 का 1 1 1 का फिर से 1. तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, अनन्या ने बोला इक्वल, तो देखो ध्यान से, अगर आप इसको अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सिग्मा एम जो आपका आ रहा है 1 2 4 7 ही आ रहा है, आप चेक कर लो 1 पे 2 पे 4 पे 7 पे. तो अगर आप यहां पर एक पॉइंट देखोगे, तो जब हमने टू वेरिएबल के लिए पढ़ा था, जब हम लोगों ने टू वेरिएबल के लिए पढ़ा था, टू वेरिएबल के लिए, तो एक्सऑल और एक्सनॉर अपोजिट थे. क्यों? जहां पे वहां पे जीरो था वहां पे वन था, वहां पे वन था वहां पे जीरो था. तो ऑलवेज आपको ध्यान क्या रखना है, टू वेरिएबल के लिए ए एक्सनॉर बी जो होगा वो ए एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट होगा. लेकिन अगर आप थ्री वेरिएबल्स की बात करोगे तो दोनों आपके सेम होते हैं. आप दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल सबके ट्रुथ टेबल जाके देख सकते हो. जो आपका ट्रुथ टेबल एक्सऑर का आया था थ्री वेरिएबल के लिए, वही एक्सनॉर का आया है. लेकिन टू वेरिएबल के लिए दोनों का ट्रुथ टेबल अपोजिट था, जहां पे वहां जीरो था वहां पे वन था, वहां वन था यहां पे जीरो है. चेक कर लो आप, अच्छे से चेक कर लो, ठीक है. तो टू वेरिएबल, यहां बात टू और थ्री की नहीं है, बात इवन ऑड की है. जब नंबर ऑफ वेरिएबल इवन होंगे तो दोनों ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड होंगे, जब नंबर ऑफ वेरिएबल ऑड होंगे तो दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे. एक्सऑर और एक्सनॉर ऑपरेशन आपके इक्वल होंगे जब भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल ऑड होंगे. अगर आपको चेक करना है तो मैंने एक और चीज बताई थी, सबके सब ध्यान से सुनो, मैंने एक और चीज बताई थी, ए एक्सऑर ए एक्सऑर ए एक्सऑर ए एन टाइम्स और ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर ए एन टाइम्स. तो दोनों के इवन इवन का आंसर देखो, जब ए एक्सऑर ए एक्सऑर ए एक्सऑर ए इवन टाइम्स था तो आंसर जीरो आया था, जब ax nor a और इवन टाइम था तो आंसर 1 आया था. देखो कॉम्प्लीमेंट हो गए इवन में. ऑड टाइम में देख लो, जब ax nor a आपने ऑड टाइम किया था तो आंसर a ही आया था, और जब आपने ax nor a ऑड टाइम किया था तब भी आंसर a ही आया था. तो समझ लो, जब भी वेरिएबल इवन होंगे तो आंसर हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड होगा xor और xnor का, लेकिन जब भी आपके वेरिएबल ऑड होंगे आंसर ऑलवेज इक्वल होगा xor और xnor का. ये पॉइंट आप सभी को क्या क्लियर हुआ? सबके सब मुझे बताओ, क्या सबको ये सिचुएशन समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है कि कब इक्वल होंगे और कब आपके कॉम्प्लीमेंटेड होंगे एक्सऑर और एक्सनॉर? तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होते हैं, कुछ टाइम कॉम्प्लीमेंटेड होंगे और कुछ टाइम इक्वल होंगे. इवन के केस में कॉम्प्लीमेंटेड, ऑड के केस में इक्वल. ठीक है शुभम, बिल्कुल करेक्ट. तो और किसी को कोई डाउट है कि समझ में आ गया? तो देखो हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए हैं सारे के सारे गेट्स के, अब हमें यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. तो आई होप ये जो सातों के सातों गेट्स हैं उनका बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा. तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सल गेट्स और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा आपके साथ.